और इसी बीच एक और बड़ी खबर, यूपी सरकार पर प्रियंका गांधी वाड्रा का बड़ा हमला, पीड़ितों को मुआवजा नहीं न्याय चाहिए। प्रियंका गांधी की ओर से ट्वीट कर ये बात कही गई है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत बर्खास्त किया जाए, ये भी कहा गया है। मंत्री पद पर रहते निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। प्रियंका ने यह भी कहा है, मुझे बिना FIR के गिरफ्तार किया गया, क्योंकि प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हुई थी उस पर भी बड़ा हमला बोला है प्रियंका गांधी ने, और कहा कि कोई FIR नहीं थी लेकिन उसके बाद गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी वाड्रा ने, सुनवाते हैं आपको। बात यह है कि इस देश में लोगों को न्याय का अधिकार है और अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक जो मंत्री हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को सारे वीडियोस में सबने पहचाना है, और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मजीत गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे, उनके अंडर आता है ना ये सब किसानों से। तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जाँच करेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर हिंसा मामले में, फॉरेंसिक टीम को दो कारतूस मिले हैं। थार जीप के पास 315 बोर के दो कारतूस मिले हैं। हालांकि पहले किसानों की ओर से यह दावा किया जा रहा था कि एक किसान की मौत फायरिंग से हुई है। ये बड़ी खबर आपको बताया, मौके से फॉरेंसिक टीम ने जूते चप्पल कपड़े भी इकट्ठा कर लिए हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में सच सामने आना अभी बाकी है। तमाम आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, राजनीति इसको लेकर पूरी तरीके से हो रही है, लेकिन अब फॉरेंसिक जांच से सच सामने आएगा। और इसी को लेकर देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दो कारतूस मिले हैं थार जीप के पास से, 315 बोर के दो कारतूस पाए गए हैं फॉरेंसिक टीम को।